आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं एक कप पोहे से बनने वाले एकदम नए और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। मिनटों में बनने वाली ये नाश्ते की रेसिपी आप घर पे रखे इजीली अवेलेबल सामान के साथ बना सकते हैं। जब भी आपको कुछ हेल्दी टेस्टी और क्रंची सा खाने का मन हो तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओ किचन। तो पोहे का नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल में एक कप पोहा ले लिया है। आप मोटे या पतला किसी भी तरीके का पोहा ले सकते हैं। हम जो घर पे रेगुलरली यूज़ करते हैं मैंने वही पोहा यहाँ पे लिया है, तो आप देख सकते हो। और अब इन्हें हमें अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी साफ़ कर लेना है, यानी कि इनको थॉरली वॉश कर लेंगे हम, ताकि इनमें से जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारे निकल जाएंगे। तो 2 से 3 पानी इस तरीके से हम अच्छी तरह से सर मसल मसल के साफ करके धो लेंगे। आप देख सकते हो सारे इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकल गए हैं। इसी तरह से हम 2-3 पानी ने धो करके ले लेंगे। पोहे को 10 मिनट के लिए इसी तरीके से ढक कर के रेस्ट करने देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो इन्हें मैं ढक करके साइड में रख लेती हूँ और आप 10 मिनट के बाद देख सकते हो ये कितनी बढ़िया तरीके से फूल गए हैं। और आपको पास से दिखाती हूँ, और इनमें जो पानी था वो अच्छी तरह से ये ऑब्जर्व कर लिया है। तो अब हम एक बड़े से परात में या बड़े से बर्तन में जो हमने ये सोख किए हुए पोहे लिए थे उनको निकाल लेंगे। और अब इन्हें हमें अच्छी तरीके से मसल मसल के सॉफ्ट कर लेना है, जिससे जब हम इनके कटलेट बनाएं तो ये बनने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो इस तरीके से हम मसल मसल के 1-2 मिनट के लिए इस तरह से इनका एक डो की तरह बना लेंगे। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बड़ी आसानी से हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर ले रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के आलू, उबले हुए आलू हैं। कद्दूकस कर लिया इनको अच्छी तरीके से, ताकि लम्ब्स जो है वो निकल जाएं। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3/4 कप कैबेज, ये मैंने चॉपर से बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 कप शिमला मिर्च बारीक कटे हुए, इनको भी मैंने चॉपर से ही बारीक कट कर लिया था। आप चाहे तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और इन कैबेज और कैप्सिकम का मैंने हल्का हल्का सा पानी निकाल दिया था, क्योंकि इनमें बहुत एक्सेस मात्रा में पानी होता है। तो बैटर हमारा ढीला ना हो तो पानी आप निकाल के लीजिएगा। साथ में मैंने यहाँ पे 1/2 कप ग्रेट किया हुआ गाजर ले लिया है, और 1/4 कप यहाँ पे स्वीट कॉर्न है, जिनको मैंने मिक्सर में हल्का सा दरदरा करके पीस लिया था। और अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, और साथ में ही मैं यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया बारीक कटे हुए उनको ऐड कर ले रही हूँ। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कद्दूकस किए हुए अदरक ले लिए हैं, उनको ऐड कर लेंगे। साथ में ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक काट के, और ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत धनिया इस तरीके से खलबट्टे में मैंने दरदरा कूट करके इनको ले लिया है। इनका टेस्ट नाश्ते में बहुत बढ़िया लगता है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिनमें मैंने ऐड किया 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड किया है, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर लिया है, 1/2 चम्मच से ज़्यादा मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर ऐड कर लिया है, यानी कि 3/4 चम्मच। और अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अगर आप चिली फ्लेक्स खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर ले रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच सफ़ेद वाले तिल, इनका क्रंच बहुत अच्छा आता है नाश्ते को जब हम बनाते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है तो बहुत आसानी से मिक्स हो जा रहा है, और आप देख सकते हो कि इतने सारे वेजिस हमने इनमें डाले हैं, तो एक तरीके से बहुत हेल्दी नाश्ता बन रहा है हमारा। तो अब हाथों में हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे। अब मिक्सर से हम एक बॉल साइज़ का इस तरीके से थोड़ा सा डो ले लेंगे, और इस तरीके से हम हाथों से अच्छी तरह से फ्लैट करते हुए एक टिक्की का शेप देते हुए इनकी टिक्की तैयार करेंगे। और आप इस तरीके से गोल गोल घुमा के इनको स्मूथ टेक्सचर दे सकते हो, यानी कि सेट कर सकते हो अपनी टिक्की को। तो आप देखिए, आप चाहे तो कोई भी शेप के बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे राउंड शेप के जो टिक्की जैसे बनते हैं ना उसी तरीके का शेप दे रही हूँ। और लीजिए, हमारे एक टिक्की तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे।
अगर आपको टिक्की बनाते वक्त ऐसा लगे कि आपका जो मिक्सर है बहुत ढीला है, तो आप यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन के मिक्स करके अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, तब टिक्की बनाइएगा। हमारी सारी टिक्की बन करके तैयार है। एक बढ़िया से क्रंच और टेक्सचर के लिए और साथ ही साथ बहुत अच्छा लगे देखने में, यहाँ पे जो ये सफ़ेद तिल होते हैं ना, उनको ले लिया है मैंने। और इनको हम अपने टिक्की को यानी कि कटलेट को पोहे के इस तरीके से सफ़ेद तिल पे रख कर कोट करेंगे और अच्छी तरीके से दबा दबा कर इनको हम सेट कर देंगे, तो जिससे जो हम जब फ्राई करेंगे अपने कटलेट्स तो ये तिल जो है बिल्कुल निकलेंगे नहीं। तो आपको इसी तरीके से सारे टिक्की पे तिल की कोटिंग कर लेनी है। सिर्फ तिल टस्ट करने से क्या होगा, वो निकल जाते हैं जो फ्राई करते वक्त, तो आप इस तरीके से ज़रूर सेट कर दीजिए इनको। तो लीजिए, हमने सारे के सारे टिक्की पे हम सफ़ेद तिल का कोटिंग कर लिया है, अब इनको फ्राई करना है। तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे शैलो फ्राई करने वाली हूँ। तो एक मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम हॉट ऑयल में हम इस तरीके से अपने टिक्की को एक एक करके छोड़ते जाएंगे। एक साथ सारे टिक्की नहीं ऐड करेंगे, जितने एक बार में पैन में आ जाएंगे आराम से उतने ही टिक्की डाल डाल के हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से मैं 4 टिक्की एक साथ फ्राई कर रही हूँ। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे फ्राई करते वक्त, अगर हम हाई रखेंगे तो हमारी जो टिक्की है वो जल जाएगी, तो लो टू मीडियम रखेंगे। और जब एक तरफ से हमारी टिक्की अच्छे तरह से फ्राई हो जाए तो इनको हम धीरे धीरे हल्के हाथों से इस तरीके से पलट करके सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनमें कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है, हल्के से ये गोल्डनिश होना शुरू हो गए हैं दोनों तरफ से। जब तक हमारी टिक्की हल्की सी गोल्डनिश कलर की ना हो जाए यानी कि हल्के सुनहरे कलर की ना हो जाए, तब तक इनको हमें उलट पलट करके सेक लेना है। तो आप देख सकते हो इनमें कितना बढ़िया कलर आना शुरू हो गया है, एकदम ये क्रंची बन गए हैं ऊपर से और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हैं। टिक्की को हम इस तरीके से साइड में लेके एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा उसको ड्रेन कर देंगे और एक एक टिक्की हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें बाकी के भी टिक्की को शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर लेना है। देखा आपने, सिर्फ 1 कप पोहे से हमने कितना सारा हेल्दी पोहे का नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। ये इतने टेस्टी बनते हैं, आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। इनमें हमने वेजीज का इस्तेमाल किया है तो ये काफ़ी हेल्दी हैं, और आप अपने मनपसंद के कोई भी वेजीज इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, आप इसे हरी चटनी के साथ सॉस के साथ खाइए, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।